जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन प्रयास जी के जीएस पर। तो दोस्तों आज 31 जुलाई, तो 31 जुलाई थर्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम खत्म हो गया है अग्निवीर एयरफोर्स का। इसके साथ ही दोस्तों आपका जो अग्निवीर का एयरफोर्स का एग्जाम चल रहा था 25 तारीख से, आपका वो भी ओवरऑल खत्म हो गया है। तो दोस्तों जिन लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा तो वे लोग अपना कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किन किन लोगों ने कितना अटैम्प्ट किया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में 31 जुलाई थर्ड शिफ्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि दोस्तों में विद्यार्थियों के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जो कि दोस्तों आपका 100% रियल एंड ऑथेंटिक प्रश्न है। तो इसी तरह रियल ऑथेंटिक प्रश्नों का एनालिसिस पाने के लिए किसी भी एग्जाम का दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन बिल्कुल ऑन कर लीजिएगा। इसके साथ ही किसी प्रकार की कोई समस्या होता है या पीडीएफ चाहिए होता है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपको सामने दिया गया है, आप देख सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न मिले हैं कुछ जिनको अभी के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपका कि व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस के क्या हैं। तो ऑप्शन में दिया गया था आपका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्या है। तो चलिए देखते हैं, व्लादिमीर पुतिन जो दोस्तों आपका रूसी राजनीतिज्ञ है वो मई 2022 से रूस के राष्ट्रपति तथा 2018 में राष्ट्रपति चुनाव में 76% वोट हासिल करने के पश्चात अगले कार्यकाल के लिए भी निर्वाचित हुए हैं। इससे पहले सन 2000 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति तथा 1999 से 2000 एवं 2008 से 2022 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने रूस की संयुक्त रूस पार्टी की अध्यक्ष भी थे। तो वर्तमान में आपका पूछा था, वर्तमान में सबको मिल गया होगा कि रूस के क्या है। तो रूस के दोस्तों आपका राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री रह चुके हैं लेकिन दोस्तों वर्तमान में आपका राष्ट्रपति हैं। तो जिन लोगों ने भी राष्ट्रपति क्लिक किया होगा आपका ऑप्शन में तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके अलावा वन आउट पूछा था दोस्तों आपका इंग्लिश में कि लिविंग इन वन सेम पीरियड। तो लिविंग इन सेम पीरियड को दोस्तों वन वर्ड आपका पूछा था उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों कंटेम्पोरेरी कहा जाता है। तो कंटेम्पोरेरी दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद दोस्तों पूछा था आपका मणिकधारा फॉल्स किस नदी पर स्थित है। ये नदी पूछा था दोस्तों, ये कहाँ पूछा था आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्योंकि दोस्तों नदी नहीं मिल पाया है। तो चलिए मणिकधारा फॉल्स को देख लेते हैं। मणिकधारा फॉल्स की बात करें दोस्तों तो ये आपका कहाँ पर स्थित है। तो ये दोस्तों आपका कर्नाटक के चिकमंगलूर में दोस्तों आपका स्थित है मणिकधारा फॉल्स आपका कर्नाटक के कहाँ मंगलूर में आपका स्थित है। तो अगर नदी पूछा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कौन सा नदी आपको ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों शायद एक और बच्चे बोल रहे थे कि शिव समुद्र भी पूछा गया है। तो शिव समुद्र फॉल्स किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्र प्रभात दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित एक जल प्रभात है। तो कावेरी नदी आपका राइट आंसर होगा। 98 मीटर की ऊंचाई से जल से गिरता है। इसका प्रयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए होता है। इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह है। इसकी स्थापना दोस्तों आपका 1902 ईस्वी में होता है। इसका ऊंचाई 98 मीटर है, 322 फीट है और दोस्तों औसत प्रवाह 3934 घन मीटर प्रति सेकेंड आपका औसत प्रवाह है। इसके बाद पूछा जाता है दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये आपका 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे आपका क्लीमेंट रिचर्ड एटली, उनको पूरा नाम है एटली के नाम से भी जाना जाता है। वो ब्रिटिश राजनीति के लेबर पार्टी के नेता थे आपका। उस समय दोस्तों आपका यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे जो कि दोस्तों क्लीमेंट एटली आपका राइट आंसर होगा। तो जिन लोगों ने भी क्लीमेंट एटली को मारेंगे वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। उनके ही प्रधानमंत्री काल में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। उसने के काल में यूके कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट बना जिसके अंतर्गत अन्य बातों के अलावा वहाँ निःशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा आरंभ हुआ। वो यूके के सर्वोत्तम प्रधानमंत्री थे तथा वहाँ के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में उनकी गिनती होती है। तो पता चल गया होगा कि कौन थे, तो आपका क्लीमेंट एटली थे। इसके अलावा दोस्तों था एडवर्सिटी का एंटोनिम्स आपको पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं एडवर्सिटी का एंटोनिम क्या होता है। तो नियर एंटोनिम एडवर्सिटी आपको देख लेते हैं। तो ब्रेक चांस फ्लूक गॉड सेंड हीट अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक स्ट्रोक विंडफॉल, ये दोस्तों आपका नियर बाय एंटोनिम है एडवर्सिटी का। तो इसमें अगर ऑप्शन मिल गया होगा तो आपको बिल्कुल सही होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका बात करें एडवर्सिटी का जो एंटोनिम होता है आपका फॉर्चून लक और सेरेंडिपिटी दोस्तों आपका एडवर्सिटी का एंटोनिम्स होता है। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा गया था हाइट का रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड पूछा गया था। तो हाइट का स्पेलिंग आपका दिया गया था HIEGHT, इसको सही करके बनाना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों HIEGHT। तो जिन लोगों ने भी ये ऑप्शन क्लिक किए होंगे HIEGHT उनको बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों तो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर भी शायद आया था, तो उसको भी देख लेते हैं। भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, 1800 ब्रिटिश अंतिम ब्रिटिश गवर्नर दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। 1857 की क्रांति के बाद
गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर वायसराय के पद की शुरुआत किया गया था। अंतिम वायसराय की बात करें तो आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, और भारत की स्वतंत्रता के बाद दोस्तों आपका लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने थे। तो इसके अलावा दोस्तों आपका आया था ओवेयर कप विजेता, तो ओवेयर कप विजेता कौन सा ईयर का आया था ये तो पता नहीं, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। थॉमस ओवेयर कप दोस्तों 2022 भारत ने डेनमार्क को हराकर पहली बार फाइनल में जगह बनाया था। रिजल्ट के बाद दोस्तों श्रीकांत एचआईवी प्रणो ने मेन्स सिंगल में शानदार दिक्कत की थी। तो दोस्तों आपका भारत अगर ऑप्शन में होगा तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद बात करें दोस्तों आपका ओवरऑल क्वेश्चन का, तो इंग्लिश का देखें दोस्तों, तो इंग्लिश में जो आपका इस बार थर्ड शिफ्ट में आपका प्रश्न आया था वो दोस्तों बिल्कुल आपका इजी आया था, ज़्यादा हार्ड नहीं आया था, वो सभी लोग बना सकते हैं जो पढ़ के गए होंगे। अब जो नहीं पढ़ के जाएंगे उनके लिए तो कहना ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ के गए थे उनके लिए बहुत ईजी था आपका इंग्लिश का जो पेपर था आपका, आराम से 16-17 प्रश्न बन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स जो क्वेश्चन था वो दोस्तों आपका मॉडरेट था, तो ना ज़्यादा ईजी था और ना ही ज़्यादा आपका मॉडरेट था आपका फिजिक्स का प्रश्न। इसके अलावा दोस्तों बात करें रागा का, तो रागा का दोस्तों जो आपका प्रश्न वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था, तो अगर उसमें टाइम टेकिंग प्रश्न आता, तो अगर टाइम लगा के बनाए होंगे तो आपका बिल्कुल सभी बन गया होगा दोस्तों रागा का जो प्रश्न। इसके बाद मैथ का जो बात करें दोस्तों, तो मैथ का प्रश्न, मैथ तो खैर भारी सब्जेक्ट है, तो वो आपका हाई लेवल का ही था। तो और जीके जीएस तो दोस्तों आप जान ही रहे हैं, जीके जीएस का प्रश्न तो एकदम हल्का हल्का आ रहे हैं, जो कि दोस्तों आप देख चुके हैं कैसा कैसा प्रश्न आ चुके हैं, कैसा कैसा प्रश्न पहले के शिफ्टों में भी पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों ये रहा आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस, और जितना भी प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन बता दिए। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।